आप अक्सर ट्रेवल करते होंगे कार्स में, बाइक्स में, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, और इसके लिए आपको खर्च करना पड़ता है कुछ फ्यूल लाइक डीजल या पेट्रोल। दोस्तों, प्लेन में जो फ्यूल भरा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे एविएशन फ्यूल, जेट फ्यूल, एविएशन गैसोलीन, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा। प्लेन के लिए सूटेबल फ्यूल इस बात पर डिपेंड करती है कि प्लेन में कौन सा इंजन लगा होता है और ये किस एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है। अगर हम बात करें बोइंग 747 की, तो इसमें केरोसिन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -40 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक, जिसके कारण ये हाई एल्टीट्यूड पर भी जमता नहीं है। बोइंग 747 या 777 की बात करें तो ये एक सेकेंड में लगभग 4 लीटर फ्यूल की खपत करता है। जी हाँ, सिर्फ एक सेकेंड में 4 लीटर फ्यूल की खपत होती है। अगर ये फ्लाइट 10 घंटे की है तो इसे 150,000 लीटर फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्लेन को 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 12 लीटर फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक एडवांटेज ये हो जाता है कि इसमें 465 यात्री एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, और अगर हम हर यात्री का फ्यूल कंजप्शन निकालें तो एक यात्री के लिए 1 किलोमीटर जाने में 0.04 लीटर फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर फ्लाइट 10 घंटे की है तो प्लेन को 150,000 लीटर फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पिक्चर्स में, टीवी में, एक प्लेन जब रनवे में खड़ी होती है तो एक छोटा सा व्हीकल से वायर कनेक्टेड होता है प्लेन के बॉडी में। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इस प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे AGPU के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है ऑक्सिलरी ग्राउंड पावर यूनिट, और ये AGPU सिस्टम प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, क्योंकि जब प्लेन रनवे में होती है तो इस प्लेन का दोनों इंजन बंद होता है, जिसकी वजह से प्लेन का इंजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाती है। इसीलिए इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम AGPU के नाम से जानते हैं। प्लेन का फ्यूल टैंक दरअसल प्लेन के विंग्स में होता है, और इसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। फिर भी यह टैंक इतना बड़ा होता है कि 4-5 लोग आराम से घुस के सो सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे टैंक्स एक दूसरे से हॉल के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो। अगर किसी टैंक में फ्यूल कम होता है तो दूसरे टैंक का फ्यूल होल से होते हुए बह के उसमें भर जाती है, जिससे कि प्लेन का वेट बैलेंस कंडीशन में रहता है। फ्यूल टैंक से फ्यूल का सप्लाई जेट इंजन तक किया जाता है, जो कि ठीक विंग्स के नीचे लगा होता है। कुछ प्लेन्स में जेट इंजन विंग्स के ऊपर लगा होता है। ऐसे कंडीशन में एक मोटर का उपयोग किया जाता है, जो फ्यूल को टैंक से जेट इंजन तक ले जाती है। जेट फ्यूल तेजी से आग पकड़ सकती है। एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट भी फ्यूल टैंक में आसानी से आग लगा सकती है। फ्यूल टैंक का प्लेन के विंग्स में होना, इसका एक एडवांटेज ये है कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में अगर टैंक में आग लग जाती है तो आग सिर्फ प्लेन के विंग्स में लगेगी, ना कि उस हिस्से में जहां पर यात्री बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म होता है प्लेन के विंग्स में, जिसकी मदद से पायलट फ्यूल को डंप यानी हवा में गिरा सकती है, जिससे कि फ्यूल टैंक खाली हो जाए और प्लेन क्रैश में या इमरजेंसी लैंडिंग में प्लेन में विस्फोट ना हो। ऐसा ही एक हादसा एयरबस के साथ हुआ था। उड़ान के कुछ मिनट बाद ही इसके दोनों इंजन में आग लग चुकी थी। फिर इस प्लेन को एक नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। प्लेन तो पानी में पूरी तरह से डूब गया था, पर प्लेन के सारे यात्रियों को बचा लिया गया था। इस प्लेन के बारे में जल्द ही एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे या फिर डिसलाइक करोगे, लेकिन इतना पता है कि मेरी मेहनत को देखकर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।